Hey guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about KTM Duke 390 BS6 and BMW G310R BS6. आज इन दोनों ही बाइकों के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताऊंगा मैं कि कौन सी बाइक आपके लिए बेहतर होगी और दोनों ही बाइकों के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या फर्क इन दोनों के बीच में आपको मिलने वाला है। मैं हूं आपके साथ अजय सहरावत एंड यू आर वॉचिंग अजय ऑन व्हील्स। और अगले कुछ मिनटों तक आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको दोनों बाइकों के बीच के जो फर्क हैं, जो अंतर हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स की। दोनों ही बाइक्स में काफी सारे फीचर्स काफी हद तक सेम है, जैसे लिक्विड कूल्ड इंजन, राइड बाई वायर और स्लीपर क्लच। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। दोनों ही बाइक्स के इंजन में काफी फर्क है। BMW G310R में आपको मिलता है 383cc का वाटर कूल्ड DOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो देता है आपको 34 PS की पावर 9500 RPM पर और 28 Nm का टॉर्क 7500 RPM पर। जबकि KTM Duke 390 में आपको मिल जाता है 373cc का वाटर कूल्ड इंजन जो है फ्यूल इंजेक्टेड, जो पैदा करता है 42.9 BHP की ताकत 9000 RPM पर और 37 Nm का टॉर्क 7000 RPM पर, जो BMW 310R से कहीं ज्यादा है। अगर बात करें इंजन के कंप्रेशन रेशो की तो इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। 310R का कंप्रेशन रेशो है 10.9:1, जबकि ड्यूक 390 का कंप्रेशन रेशो 12.88:1 है। इन दोनों में भी काफी फर्क है। अगर बात करें बोर एंड स्ट्रोक की तो 310R में आपको मिलता है 80 mm का बोर और स्ट्रोक मिलता है आपको 62.1 mm का। वहीं ड्यूक का जो बोर है वो है 89 mm का और स्ट्रोक आता है 60 mm का। इंजन के बाद अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स एंड टायर वगैरह की। दोनों ही बाइक्स डुअल चैनल ABS के साथ आती हैं। दोनों ही बाइक्स के टायर एंड अलॉय व्हील का साइज भी सेम है, लेकिन KTM Duke 390 में आपको मिल जाते हैं मैटजलर के टायर, वहीं 310R में आपको मिलेंगे मिशलिन के पायलट स्ट्रीट टायर। तो दोनों ही ब्रांड्स के टायर की जो क्वालिटी है और परफॉर्मेंस है, उन दोनों में काफी फर्क है। मैटजलर टायर्स सॉफ्ट कंपाउंड के होते हैं जो रोड्स पर बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं, जबकि मिशलिन पायलट स्ट्रीट उतनी अच्छी ग्रिप नहीं दे पाता। लेकिन एक और बात है, मैटजलर के टायर की जो लाइफ है वो होती है 8,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच की, लेकिन मिशलिन के टायर आपको 30,000 से 35,000 किलोमीटर का सफर तय करा देंगे। ड्यूक 390 में आपको मिल जाते हैं बाइबर के फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स। अगर बात की जाए सस्पेंशन की तो ड्यूक में आपको फ्रंट में मिल जाता है WP का USD शॉकर, जबकि रियर में आपको WP एपेक्स के मोनोशॉक मिलते हैं। वहीं 310R में USD शॉकर आपको फ्रंट में मिलते हैं और बैक में आपको मोनोशॉक आ जाता है। दोनों ही बाइक्स 6-speed गियरबॉक्स के साथ आती हैं। अगर बात करें डायमेंशन की तो 310R में आपको मिलता है 1380 mm का व्हील बेस, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 785 mm की सीट हाइट, जबकि ड्यूक में 1357 mm का व्हील बेस आता है, 175 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस होता है और 830 mm की हाइट है सीट की। अगर आपकी हाइट कम है तो 310R आपके लिए सुटेबल रहेगी। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो ड्यूक 390 पर आपके पैर आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी हाइट 5'7" है और नई वाली ड्यूक पर मेरे पैर इतने अच्छे से नहीं पहुंचते जितना BMW 310R पर मेरे पैर अच्छे से पहुंच रहे थे। तो अब इसी हिसाब अपनी हाइट का अंदाजा लगा लेना कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर बात करें फ्रंट में लुक की तो दोनों ही बाइकें डे टाइम रनिंग DRL के साथ आपको मिल जाती हैं। साथ ही साथ दोनों बाइक्स के अंदर सभी लाइटें LED दी गई हैं। तो सबसे मेन बात आती है इनके कंसोल की। दोनों ही बाइकों के जो मीटर हैं, जो कंसोल हैं, वो दोनों ही फुल्ली डिजिटल हैं। लेकिन BMW 310R में आपको मिल जाता है एक ब्लैक एंड व्हाइट कंसोल, जबकि ड्यूक 390 में आपको मिलता है कलरफुल कंसोल जो डे एंड नाइट के हिसाब से अपने आप को चेंज भी कर लेता है। और आखिर में बात कर लेते हैं दोनों ही बाइकों के प्राइस की। BMW G310R का जो एक्सशोरूम प्राइस है वह 2,45,000 रुपए, RTO और रोड टैक्स पड़ता है इस पे 19,600 रुपए का और इंश्योरेंस होता है 11,158 रुपए। तो कुल मिलाकर 310R आपको पड़ती है 2,75,000 रुपए। वहीं ड्यूक 390 का एक शोरूम प्राइस है 2,57,906 रुपए, RTO और रोड टैक्स आपको पड़ता है 22,132 रुपए का और इंश्योरेंस आपको पड़ता है 21,698 रुपए। तो ड्यूक 390 ऑन रोड आपको पड़ जाती है 3,01,736 रुपए। ये दोनों ही प्राइस दिल्ली के ऑन रोड और एक्स शोरूम प्राइस हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।